और सुबह में अगर कोई आपके रूम पर अचानक से आ जाए और आपको पता भी ना हो कि कौन हो सकता है तो आप क्या करोगे? और गेट नॉक होने के बाद मैं उसे ऐसे तो नहीं खोल सकता क्योंकि रूम में सारा सामान बिखरा हुआ पड़ा था और मन में बस एक ही थॉट चल रहा था कि मम्मी पापा भैया में से कोई बिना बताए तो मेरे रूम पर नहीं आ गया। तो सामान सेट करने और गेट खोलने के बाद मेरे मामा के पुत्र दिखाई पड़ते हैं और आते ही इनकी मुझसे डिमांड होती है कि ये तो मेरा चाय बहुत चला जाए आप एक चाय पिलवा दे। हाँ वैसे चाय बनाने के चर्चे मेरे काफी दूर तक है तो सोचा चलो इन्हें भी बना के पिला देता हूँ और साथ में इनसे कपड़े भी धुलवा लूंगा। और ये जनाब जब से रूम पर आए हैं तब से फोन में पता नहीं ऐसा क्या देख रहे हैं कि इनकी हंसी रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। तो चाय में इलायची काली मिर्च एक चम्मच चीनी और पत्ती डालने के बाद जब तक चाय बनेगी अपने कपड़ों को भिगोकर रख देता हूँ और ये सारे कपड़े इन्हें धुलने पड़ेंगे ये इस बात से अनजान थे। और चाय खाने के लिए मैं पास बैठता हूँ तो पता चलता है कि अमेज़न मिनी टीवी पर शोपोलिक लुइस नाम का एक कोरियन ड्रामा देख रहे होते हैं। जल्दी से मैं मिनी टीवी को डाउनलोड करता हूँ क्योंकि इसमें सीट के ड्रामा इटालियन शो सब कुछ फ्री में अवेलेबल है और तो और आप इन सभी शो को हिंदी में भी देख सकते हो। और सनी ने मुझे बताया कि यहाँ पर हर हफ्ते कोई ना कोई नया शो आता ही रहता है। वैसे हाथ से कपड़े धुलना सबके बस की बात तो नहीं है तो चलो मैं चला कोरियन ड्रामा देखने, बाकी आप लोग भी डाउनलोड कर लो।